लाख रुपए का पशु लाते हैं और कुछ चंद पैसों की बचत के लिए हम अपने पशुओं को ऐसी ऐसी खलें ऐसे जो 2000 रुपए का जो खल का कट्टा था वो मेरे को 1200 रुपए के अंदर गांव में बेच रहा था। सारे कट्टे खराब हो रहे थे, उसमें स्माइल आ रही थी, जैसे थोड़ा बरसात में भीग जाता है ऐसा माल आ रहा था। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मेरा नाम है आकाश गर्ग, मैं फिर से हाजिर हूँ मेरी कोर वीडियो के साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान आकाश। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों से, ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमारे एक मित्र राजस्थान से चल के हमारे पास आए स्पेशली ये बताने के लिए कि उनके साथ कैसे फ्रॉडस्टरों ने, स्कैमर्स ने एक स्कैम कर दिया जिसकी वजह से उनकी आजीविका पूरी तरह से ख़त्म हो गई। दोस्तों, एक पशुपालक भाई, एक किसान भाई बड़ी ही मेहनत और मजदूरी के साथ अपनी आजीविका चलाता है और ऐसे स्कैमस्टर फ्रॉडस्टर लोग जो खाली बाजारों में भी बैठे हैं और आपके गांव में भी आते हैं, ऐसे लोग आके अगर आपकी आजीविका को लूट लें, आप लोगों को ठग लें, तो उसका दर्द सिर्फ एक किसान और पशुपालक भाई बता सकता है। दोस्तों, ऐसे स्कैम से हम कैसे बचें, ऐसे फ्रॉडस्टरों को हम कैसे जवाब दें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हमारी पिछली वीडियो डलने के बाद हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन और मैसेज आए कि सर, इस वीडियो को संक्षिप्त में बना के बताइए कि कैसे पहचान कर सकते हैं हम असली नकली खल को, कैसे उस चीज़ की जांच कर सकते हैं कि असली नकली खल में फ़र्क क्या है और कैसे इन स्कैमर से और फ्रॉडस्टर से हम बच सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो मैं ये लेके आया हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक छोटे से टेस्ट के जरिए, एक छोटी सी जांच के जरिए, एक नॉर्मल मेथड के जरिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि असली खल और नकली खल या मिक्सिंग की खल और एक ओरिजिनल खल के अंदर क्या अंतर है। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कैसे होता है ये सब। तो मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने 3 प्रकार की खल ली है और 3 ग्लास ही पानी का लिया है। अब ये 3 प्रकार की खल किस किस प्रकार की है? ये हमारी कच्ची घानी खल है जो हमारे 24 कैरेट में आती है, ये हमारी 23 कैरेट में आने वाली खल है और इस प्रकार की भी खल दोस्तों हम रखते नहीं हैं कि इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली तौर पे कहीं से अरेंज की है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली पहचान इसकी क्या है, आप कच्ची घानी खल को देखिए गौर से। दोस्तों, इस खल का गरगरापन देखिए, इस खल के अंदर आपको बिनोला हूबहू नज़र आएगा। इसको तोड़ लीजिए आप, इसका चूरा बना लीजिए, आप देखेंगे इसके अंदर आपको बिनोला ही बिनोला नज़र आएगा। और जब इसको आप नाक के पास लेके जाएंगे तो इसमें उस नेचुरल बिनोले की कच्ची घानी की नेचुरल स्मेल आपको मिलेगी, एक भीनी स्मेल, हल्की स्मेल आपको इस खल के अंदर आएगी। अब बात कर लें दूसरी खल जो कि महाराष्ट्र से हमारे पास आती है, जो हमारे 23 कैरेट गोल्ड में आती है, इस खल के अंदर भी आपको देखो बिनोला नज़र आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, गरगरापन भी है और बिनोला भी है। ये देखिए, इसको तोड़ के देख लीजिए आप किसी तरह भी, आराम से टूटेंगी खल, बिल्कुल कच्ची खल होती है, जैसे कितनी आराम से टूटे जा रही है खल ये। और इनको, इनकी खुशबू लेंगे तो भी बिल्कुल कच्ची घानी की खुशबू आपको महसूस होगी। तो ये तो बात हो गई असली खल की, और अब बात कर लेते हैं इस खल की। दोस्तों, ये खल बनाई जाती है मोस्टली नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट में, ये चावल की भूसी से यानी DOC से बनाई जाती है खल। इस खल के अंदर आप गुद्दे में देखेंगे आपको कोई बिनोला नज़र नहीं आएगा। हालांकि इस खल पे चमक तो ज़्यादा होगी, लेकिन वो चमक किसकी होगी दोस्तों? वो चमक होती है पॉलिश की, एक बिनोले के तेल की पॉलिश बनाई जाती है, वो खल के ऊपर डाल दी जाती है, जिससे वो खल ऐसा लगता है कि बड़ी चमकदार, बड़ी पीली खल है। लेकिन जैसे ही आप उसको अपने नाक के पास लेके जाएंगे, उस खल में आपको किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं आएगी, ना ही उस खल के गुदे में आपको बिनोला नज़र आएगा, ना ही उस खल को आप तोड़ेंगे तो किसी प्रकार का बिनोला उसके अंदर नज़र आएगा। बिल्कुल सूखी भरड़ खल नज़र आएगी, वो हार्ड होगी, तोड़ने में थोड़ी सी कठिन होगी और खल के मुकाबले, लेकिन दिखने में लग शायद हो सकता है आप धोखा खा जाए, क्योंकि वो खल दिखने में कच्ची घानी खल की तरह ही होगी। आप उसका मेन एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मेन जांच उसकी कैसे कर सकते हैं? आप तीनों खल को बारी बारी से, एक ग्लास डिस्पोजल ग्लास आपको आराम से मिल जाएगा कहीं भी, उसमें पानी डाल के ऐसे भिगो के देखें। ये दूसरी खल को मैंने इस ग्लास में डाल दिया है और ये तीसरी जो ये हमने मंगाई थी स्पेशल खल, इसको भी हमने इस ग्लास में डाल दिया है।
अब इस खल को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें और 5 मिनट बाद आपको दिखाता हूं नतीजा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों अभी 15 मिनट हो चुकी हैं। अब ये देखिए आप, वैसे तो 5 ही मिनट लगते हैं लेकिन फिर भी हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि आराम से खले घुल जाएं और आराम से उसका नितार हमें पता चल जाए। तो ये पहली खल देखिए दोस्तों, ये कच्ची गनी वाली खल बिल्कुल पानी पी गई है, खल ऊपर आ गई है और पानी नीचे रह गया। इसको आप अगर टेढ़ा भी करेंगे तो बिल्कुल जरा सा पानी, मामूली सा पानी इसके अंदर कहीं बचा होगा। ये दूसरी खल, ये भी लगभग लगभग पानी पी चुकी है, देखिए पूरी घुल चुकी है पानी के अंदर। ये देखिए बिल्कुल पानी के पी चुकी है, ग्लास में पानी की जगह आपको सिर्फ खल ही खल नजर आ रही होगी। और दोस्तों ये तीसरी जो मिक्सिंग की खल है, जो डी की खल है, वो यूं की यूं पानी के अंदर खड़ी है। ये देखिए इसको मैं निकालता हूँ, देखिए यूं की यूं उसकी गांठ बन गई है, ये भीग नहीं पा रही है, ये घुल नहीं पा रही है पानी को, इस पानी को ये पी नहीं पा रही है। तो दोस्तों अगर ये पानी को ही नहीं पी पा रही है तो ये क्या गुण देगी हमारे पशु को। दोस्तों ऐसी खल से बचें, ऐसे स्कैम से बचें और ऐसे अपने पैसों को, अपनी मेहनत की कमाई को वेस्ट बिल्कुल भी ना होने दें। तो दोस्तों ये ही एक मेन तरीका है, एक रियल तरीका है खल की गुणवत्ता को पता करने के लिए कि खल असली है या खल नकली है। कभी भी बाजार में खल लेने जाएं या फिर बाजार में आपकी मार्केट में या आपके गली मोहल्ले में कोई देने वाला है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसे एक्सपेरिमेंट से आप उस खल का पता लगा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और भी है दोस्तों लेकिन वो इतना कारगर नहीं है। आप ऐसे झाड़ के देखें, अगर खल ज़्यादा झड़ती है या उसमें कुछ पत्ती सी के दाने दाने से निकल के नजर आते हैं तो वो खल भी खल के अंदर मिक्सिंग की निशानी होती है। उस चीज़ से भी आप पता लगा सकते हैं कि खल ओरिजिनल है या खल के अंदर मिक्सिंग है। अगर ये खल अगर कच्ची गानी खल में झाड़ूँ तो इसके नीचे आपको कुछ नहीं निकलेगा। ये देखिए पूरी जोर से मैं इसको झाड़ रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं निकल रहा है। और ये जो हमारी डी वाली खल है इसका देखो झाड़, बल्कि कीड़े मकोड़े तक इसमें से निकल के आ रहे हैं। ये हाल इन खल का। ऐसे खल के स्कैम से बचें। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो 100% कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और किसान पशुपालक भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। और हमेशा अच्छी क्वालिटी खल चराएं। हमारी 24 कैरेट, 22 कैरेट और 23 कैरेट खल बेस्ट क्वालिटी खल हैं, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खल हैं। अगर वो खल आप पाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपके घर डोर स्टेप पर उस खल की डिलीवरी करने की गारंटी लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।